हेलो दोस्तों, मैं हूं सम्राट, मैं हूं वेस्ट बंगाल कुचबिहार से। और दोस्तों, आज का वीडियो मैं आपको दिखाने वाला हूं एमप्रो कंपनी की तरफ से MJ 4000 एम्पलीफायर का अनबॉक्सिंग, टेस्टिंग और स्पेसिफिकेशन जानने मिलेगा। और टेस्टिंग में आपको आउटडोर में देखने वाला हूं, जो कि आपको ओवरलोड में आप चलाने वाला है एम्पलीफायर को, और देखने वाला है कैसा एम्पलीफायर है। तो वीडियो काफ़ी अच्छी निकली है और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो वीडियो को अभी से अभी एक लाइक कर दीजिए। चलिए मैं आपको अनबॉक्सिंग दिखाता हूं। तो सब देख सकते हैं, ये कुछ पैकेजिंग आपको इस तरह का देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको MJ 4000 आपको मॉडल नंबर देखने को मिल जाएगा, कुछ स्पेसिफिकेशन आपको देखने को मिल जाएगा। तो इसके नीचे और एक आपको पैकेज देखने को मिल जाएगा ये। तो चलिए मैं आपको बाहर कर लेता हूँ, उसके बाद मिलता हूँ। तो दोस्तों, एम्पलीफायर का फ्रंट डिटेल कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एम्प्रो का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको मॉडल नंबर, जो कि MJ 4000 आपको ये मॉडल नंबर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ऊपर आपको एम्प्रो का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। और ये चैनल ए, चैनल बी के लिए आपको वॉल्यूम नॉब्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर आपको स्विच देखने को मिलेगा अंदर, आपको हैंडल का नीचे आपको स्विच प्रोटेक्ट रहेगा हैंडल से। और यहाँ पर हैंडल, अब मैं स्विच को आपका ऑन करता हूँ। बाकी आप ये आप स्विच ऑफ रहेगा तो भी आपको यहाँ पर लाइट जल रहेगा। बाकी मैं ये ऑन कर लेता हूँ, एक बार देखिए, ये मैंने ऑन कर दिया। अभी यहाँ पर आप सब देखने को मिलेगा ये एम्पलीफायर ऑन है। बाकी यहाँ पर लाइट आपको जला रहेगा ये, और मैं यहाँ भी ऑफ कर देता हूँ। और आगे का पैनल कुछ इस तरह का है। बाकी यहाँ पर आपको BIS सर्टिफिकेट का एक होलोग्राम देखने को मिल जाएगा। तो चलिए मैं आपको पीछे दिखाता हूँ एम्पलीफायर। तो दोस्तों, एम्पलीफायर का बैक साइड कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एम्प्रो का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। इस एम्पलीफायर के अंदर टोटल 4 फैन आपको यूज़ देखने को मिलेगा। आपको पीछे 2 देखने को मिलेगा और आगे आपको 2 फैन देखने को मिलेगा। और बाकी यहाँ पर आपको आउटपुट सेक्शन देखने को मिलेगा, टर्मिनल सॉकेट भी आपको देखने को मिलेगा और स्पीकर सॉकेट भी आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको फंक्शन देखने को मिलेगा, जैसे आपका ग्राउंड है, आपका क्लिप है, आपका मोनो है, कुछ इस तरह का आपको स्विच आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको इनपुट ऑप्शन देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको लिंक का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बाकी आप एम्पलीफायर का केबल की बात करूँ तो ये केबल काफ़ी अच्छा केबल आपको देखने को मिलेगा। और ये आपका पावर कॉर्ड देखने को जिस तरह इस तरह का आपको देखने को मिलेगा कॉर्ड्स, और काफ़ी अच्छा ये हैवी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं एम्पलीफायर का खोलता हूँ, खोल के आपको अंदर का पार्ट्स दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये रहा एम्पलीफायर का अंदर का पार्ट्स, आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये आपका बड़ा सा एक ट्रांसफार्मर देखने को मिलेगा, देखिए मेरा हाथ के जैसा है। और अभी आपको बताया था ये एम्पलीफायर में अंदर टोटल 4 फैन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर 2 है, बाकी यहाँ पर आपको 2 फैन आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा टोटल इस एम्पलीफायर के अंदर। देखिए मैं कितना ट्रांजिस्टर यूज़ किया गया है, ये तोशिबा का है ट्रांजिस्टर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 18, 18, 18, 36 आपको ट्रांजिस्टर देखने को मिलेगा। और कैपेसिटर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर कैपेसिटर में आपको एम्प्रो का ब्रांडिंग देखने को मिलेगा। इसका वोल्टेज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसका क्या वोल्टेज है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इस कैपेसिटर की अगर बात करूँ कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, टोटल 20 आपको आपका कैपेसिटर यहाँ पर देखने को मिलेगा। ये मदरबोर्ड आपको कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। काफ़ी मेरा जितना भी नॉलेज है मैं आपको बताया, आप देख लीजिए अंदर का पार्ट्स कुछ इस तरह को देखने को मिलेगा। और जितने भी पार्ट्स है आपको मार्केट में अवेलेबल मिल जाएगा। ये पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट होता है एम्प्रो का, ये पूरा पार्ट्स आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। बाकी चलिए मैं आपको एम्पलीफायर का कुछ स्पेसिफिकेशन आपको, तो दोस्तों एम्पलीफायर की स्पेसिफिकेशन की बात करूँ दोस्तों, 8 ओम्स में आपको पर चैनल में 900 वाट देखने को मिलेगा, और 4 ओम्स में आपको 1200 वाट देखने को मिलेगा पर चैनल में, और 2 ओम्स में आपको 1600 वाट देखने को मिलेगा पर चैनल में। और ब्रिज मोड की बात करूँ दोस्तों, इस एम्पलीफायर में आपको 8 ओम्स में 1800 वाट देखने को मिलेगा ब्रिज मोड में, और 4 ओम्स में आपको 2400 वाट देखने को मिलेगा पर चैनल में। और इस एम्पलीफायर को क्लास एच में देखने को मिलेगा। और डंपिंग फैक्टर की बात करूँ तो आपको 450 आपको देखने को मिला डंपिंग फैक्टर इस एम्पलीफायर में अंदर। और वेट की बात करूँ तो आपको 26 किलो 26 किलो आपको देखने को लगा वेट इस एम्पलीफायर का। तो चलिए मैं एम्पलीफायर को टेस्टिंग पे ले जाता हूँ। टेस्टिंग में जो हम यूज़ करने वाले हैं, RMS का स्पीकर रहेगा, जो कि 700 वाट का RMS का स्पीकर रहेगा। हम 4 ओम्स में रन करने वाले हैं इस एम्पलीफायर को, पर चैनल में एक टॉप और एक चैनल में एक टॉप हम रन करने वाले हैं। और स्पीकर का जो वाट होगा 700 वाट का RMS वाला होगा। तो चलिए मैं आपको एम्पलीफायर का टेस्टिंग दिखाता हूँ। Thank you.
कैसा लगा जरूर कमेंट में बताना। आशा करता हूँ आपको टेस्टिंग पसंद आई होगी और मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंड है, इस एम्पलीफायर ले सकते हैं। और काफ़ी टाइम हमने ये फोरम्स में रन किया, ओवरलोड पे रन किया इस एम्पलीफायर को काफ़ी टाइम, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखा मेरे को। और बाकी बिल्कुल रिकमेंड है मेरे तरफ से, ये एम्पलीफायर आप ले सकते हैं और प्राइस भी ठीक ठाक ही है। अगर आपको चाहिए तो आप नियर डीलर से ले सकते हैं, अगर आपको मेरे से चाहिए तो आपको स्क्रीन में नंबर मिल जाएगा हमारा, या इसमें आप फ़ोन या व्हाट्सएप करके आप ले सकते हैं। और पूरा मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है हमारा, बिल्कुल कोई बात डरने का कोई बात नहीं, पूरा पार्ट्स आपको अवेलेबल मिल जाएगा मार्केट में। और चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ, अगर टेस्टिंग में मज़ा आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं।